हेलो फ्रेंड, मैं गौरव त्यागी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार त्यागी स्टेडियम में। आज हम देखने वाले हैं 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो 2023 में दिए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है रॉकेट्री। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है निखिल महाजन को गोदावरी फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फिल्म है RRR। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है अल्लू अर्जुन पुष्पा फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है आलिया भट्ट गंगूबाई के लिए और कृति सेनन मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता है पंकज त्रिपाठी मिमी फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री है पल्लवी जोशी द कश्मीर फाइल्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक की पृष्ठभूमि है MM किरवानी की RR फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक हैं गीत के लिए देवी श्री प्रसाद पुष्पा फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक हैं काला भैरव RRR फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक हैं श्रेया घोषाल और इरविन निजल। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है सरदार उधम सिंह ने। सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म है 777 चार्ली। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म है एक गांव एक था गांव। सर्वश्रेष्ठ बच्चों की फिल्म है गांधी एंड कंपनी। सार्वजनिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म है अनुदान दा रोजोनेस। पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म है आवास व्यूहम। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का अवार्ड मिला है प्रेम रक्षित को RRR फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ खोजी फिल्म है लुकिंग फॉर चालान। सर्वश्रेष्ठ अन्वेषण फिल्म का अवार्ड मिला है आयुष्मान को और सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म है किन तुडू। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्थापित किया गया था 1954 में और 68वें फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी सोराई पोटरू। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो पहले भी आ चुकी हैं, जिसने ना देखी हो वो हमारी प्लेलिस्ट से देख सकता है और प्लेलिस्ट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट से पहली वीडियो भी देख सकते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।